जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्पूर वरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओं हरि ओं हरि ओं। जगज्जननी कालिका माता के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदन। इस नगरह गांव में जितने प्रतिष्ठित देवी देवता हैं सबके चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। यज्ञ भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। जितने यज्ञाचार्य पंडितगण जिनके द्वारा यह श्री शतचंडी यज्ञ संपादित सकुशल हो रहा है हम सबको प्रणाम निवेदन करते हैं। और जितने कार्यक्रम है सिर्फ सबके सूत्रधार हमारे सरल संत। सरल हम इसलिए कहते हैं सरल बड़ा व्यापक है। सौ रौ लौ मतलब जिसमें सीता राम और लक्ष्मण तीनों का वास है वही संत हो सकते हैं सरल हो सकते हैं। ऐसे हमारे सरल संत स्वामी आगमानंद जी महाराज। मैं सच कहता हूँ अगर कहीं दूसरे जगह का कार्यक्रम होता तो मैं नहीं आता। मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं। एक दिन फुर्सत नहीं है 29 तारीख से लेकर 29 को वो बच्चा बैठा है। रात भर उसके यहाँ थे। 30 तारीख को भवानीपुर में थे। फिर 31 को शंभुगंज के तरफ बांका के तरफ थे। एक भी दिन फुर्सत नहीं है। पटना गए वहाँ कार्यक्रम फिर बुला लिया शंभुगंज। और इतनी व्यस्तता हम थके हुए थे सोए हुए थे। स्वामी जी का फोन गया क्योंकि हम कर नहीं सकते फोन। दिक्कत ये है इनको कर नहीं सकते। इनका फोन गया। इनका स्टाइल ऐसा है हम इतने नींद में थे। इन्होंने कहा तब की प्रोग्राम छे अही पर आवाज हम सुनी ले लिए। कलिए बोलिए न की आदेश छे तो कहिया मौका लगते। कहलिए 10 तारीख तक तो व्यस्त छे तो 11-12 कलिए 11-12 तो आवि गलिए। ओना ऐ शरीर के तो कोई गारंटी नहीं छे लेकिन आवि गलिए। दुनिया में प्रेम से बढ़ी के कोई चीज नहीं छे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। जे जाने छे वही जाने छे प्रेम की चीज छिके।
प्रेम पड़ोसी से नहीं छो तो तोरा घर में फंक्शन भेले ओकरा निमंत्रण पत्ता नहीं, आ तोरा प्रेमी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आ हमरा घर में फंक्शन भेले अपनो बच्चा कहलिए जो दूगो मिठाई देव है हमरो मित्र छे, मिठाई के कीमत कते मोटरसाइकिल पर बैठले लेके गेले 50 टका के तेल जरेलके आ दूगो लड्डू लेके गेले, मित्र कहे छे देखो अपनो मित्र कते सुंदर छे अपनो पत्नी से दूगो मिठाई भेजले छे, कीमत नहीं देखलो जाए छे प्रेम देखलो जाए छे, प्रेम के कोई मोल नहीं। हमें भाई वह प्रेम के निर्वाह मिल छे, शरीर भी लाचार छे आवाज भी लाचार छे, लेकिन एक प्रेमी के भजन हमें तोरा के सुनाई दे छियो, एहनो अखर प्रेमी ने पढ़ले लिखले छे कुछ आ धंधा भी निको नहीं छे, मछली मारे छे गंगा जी में आ तकर बाद देखिल हो राम जी से की बात लड़ाई रहलो छे। हमर संकीर्तन सम्राट करील भैया बड़ा सुंदर एकरो वर्णन कर ले छे, वह चर्चा हमें भजन के द्वारा तोरा सबके सुनाबे छियो। भाई हम सब जत्ते विद्वत समाज बुजुर्ग समाज बैठलो छे, हमर श्रद्धालु माय बहिन भाई बैठलो छे, सबके दीपक अहिठां से प्रणाम निवेदन करे छे। आई दीपक के खाली बचाए के राखो कने दीपक औकादे की छे, फुकी तो बहुत अहिम साफ छे लेकिन स्वामी जी के कृपा एत छोट भेपर जरे छे ओहुम दीपक चमकी रहलो छे, हिनके अर के कृपा छिके, एत एत भेपर के बीच एक छोटो सा भजन हमें तोरा बीच राखे छे। राम जी जब जंगल गेलखिन अखनी कते सुंदर पुनीत पाठक जी से तुम कथा सुनै रहो, राम जन्म तक के कथा भेले, वही से पहने हमें दीदी कृष्णा दीदी के कथा थोड़ी देर सुन लिए, पता नहीं वही से पहने ही तो कथा गंगा प्रवाहित हो रहे। हम सब संत के चरण में प्रणाम निवेदन कह कर चले छे भजन गंगा के पावन तट पर। वो भजन गंगा कहाँ प्रभावित है रहल छे, जहाँ गंगा किनारा में राम जी केवट से कहे भैया केवट जरा नाव नहीं आन भाई हमारा वो पार जाना छे, कल के नहीं आनबो तो हमरो की बिगाड़ी लेबो तोरो नस नस जाने छे। आय रे बा लक्ष्मण तो गुस्सा से आग भ गेले, अनपढ़ गंवार ये हमरो भैया के नस नस जाने लगले, बड़का बड़का जोगी मुनि नहीं जाने छे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाने छे ये नाव चनबेला कहे छे कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, यह नस नस के ना जानी गले। मांगी नाव न केवट आना, ऊपर से की कहल के कल के नाव तो नहीं आनबो आ कहीं तुम्हार मरम में जाना, नस नस तोरा जाने छिए तोरा सब हाल जाने छिए, आ कहबो झूठ बोले छिए सब पेपर कटिंग राख ले छे कहिया तो की काम कर ले छे सब पेपर कटिंग छे ते नाव नहीं अनुभव। राम जी हसी के कहलखिन की कारण छे केहने अनान भय कहे बतबै छियो हम नैनियरा लाई अपन नैया से डर लागेला, हे राजा जी हमरा डर लागे छे हम नै अनुभव नाव, कहलके केहने तोरा से थोड़े डर लगे छे तोरा से कोई डर नहीं, कल के तब एगो जादू छे तोरा जीवन में की हम नैनियरा लाई अपन नैया से डर लगेला, कथी के डर तोरा से कोई डर नहीं तब कथी से, अरे तोरा गोड़ बाके तोरा गोड़ में जो गर्दा लगल छो न वही टा से डरे छे आरू कहू से डर नहीं छे, अरे तोरा गोड़ बाके धुरिया से डर लगेला हो कि डर लगेला, तोरा गोड़ बाके ओ तोरा गोड़ बाके धुरिया से डर लगेला हो कि डर लगेला, डर लगे छो
कल के सरकार हमने सब समाचार पढ़लो तो नहीं छे, लेकिन टोला मोहल्ला में जे अखबार पढ़ी के न्यूज सुनावे रहे से हमू सुनले छे। की सुनले छो? पत्थर से तिरिया तो पत्थर का जनानी बनाए दिलो, हमें जानै छे। पत्थर से तिरिया बनल तू राजा जी से सब कहेला, पूरा दुनिया कहे छो आ सब पेपर कटिंग रख ले छे, तो बचा नहीं सके छो, तब न कहे छो तोरा नस नस जानै छे। पत्थर से तिरिया बनल तू राजा जी से सब कहेला। अच्छा, सब कोई जाने छे, आ जो गवाही चाहे छो ना तो हम सब के बुलाए दे छियो ना, पूरा मोहल्ला गांव के लोग कहतो। अहे सरकार, हमरो तो लकड़ी के नाव छे, ई तो तुरते बर्बाद हो जेते, जब पत्थर का सेकंड नहीं लागले ई तो उड़िए जेते। हो बाबू, हमरो धंधे चौपट भए जेते, हमें गरीब आदमी। पत्थर से तिरिया बनल तू राजा जी से सब कहेला, ई त लकड़ी के नैया से डर लगेला, हो कि डर लगेला। ई त लकड़ी के नैया से डर लगेला, हो कि डर लगेला। सरकार लक्ष्मण गुस्सा से आग कहे छे, रे जाति के मल्ला, अब तोरा इतने हिम्मत जे हम नाव नहीं अनुभव, नाव पर नहीं चढ़े भो। कहे छे सरकार, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ए सरकार, गरीब आदमी छे, मछली मारे छे, अही से रोजी रोटी चले छे, सहरी मतलब मछली है छे। पात भरी सहरी आ दू चार पांच टा बच्चा छे, पपुआ गपुआ झपुआ। हे सरकार, सबके अही से रोजी रोटी चले छे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, के बट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। सरकार, केवट के जात वेद नहीं पढ़े लिया छे, वेद पढ़े लिया रहती है तो स्वामी आगमानंद जी के साथ लागी जेतिए, कते निजग करवे छे, तो सब के रोजी रोटी चलती है सरकार। लेकिन हमरा तो बेटा वेद पढ़ लिया नहीं छे, तो सरकार खतरा छे, वहीं तो हमरा संगे सहयोग करते, आ ई नाउए गायब भए जेते तो रोजी रोटी गायब भए जेते। गौतम की घर नीजो, जरा ध्यान से सुनियो, गौतम की घर नीजो तरनी तरेगी मेरी। सरकार, जो हमर नाव मुनि पत्नी भए जेते, तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखले छथिन, तरनी मुनि धरनी हो जाए। सरकार, जो हमरो जात में होती है तो कुछ कमो कर बैठी है, आई मुनि पत्नी बनते तो उनको आरती न उतारबे, ऊपर से खर्चो आरती उतारो, हमें तो बड़का फिर हम पड़ी जेतबे। सरकार, हमें तोरा नाव पर नहीं चढ़ेबो। हो गौतम की घर नीजो अतरनी तरेगी मेरी, वह के निषाद कछु बात न बढ़ाई। हमें तोरा से बात नहीं लड़ेबो, हमें नावे पर नहीं चढ़ेब। अच्छा, नाव पर नहीं चढ़ेब। लक्ष्मण गुस्सा से आग भए गेले, कहा केहने ने चढ़ेब, कहलिए बतैलियो न। पत्थर से तिरिया बनौल तू राजा जी से सब कहेला, ई त लकड़ी के नैया से डर लगेला, लकड़ी के नैया से डर लगेला, डर लगेला।
गुस्सा से लाल भै गेले। छोटकू रिसाई ताके अखिया देखाई के, छोटकू रिसाई ताके अखिया देखाई के। लक्ष्मण को सास लाल केवट का जरा भी डर नहीं छे, कहे छे सरकार कहने गुस्सावे छो, हमें डरे वाला नहीं छे, याद रखियो चलाबो तीर। अगला दिन हेडलाइन में हमरे नाम निकलते, हमरो दोस्त की छे बताबो त, हमें कहलियो हमरो धंधा चौपट भै जेते, ऐ लेल नाव पर नहीं चढ़ेबो, तो हमरो दोस्त की तोरा दोस्त जरा बताए दे। हम न डराई किछु कही न बनाई के, हम न डराई किछु कही न बनाई के, किछु कही न बनाई के। अच्छा कौन खोली कर राजा जी सुनी ले की राम जी कैसे बताओ। चाह पार जाई के, पार जाए न चाहे छो राम जी कल के, हाँ तो कान खोली का सुनो। चाह पार जाई के तब गोड़ बधवा लहो से सब सोचेला, पार जाए चाहे छो तो हमें धोबो प्यार, तोरा कह पड़ता जे रे केवट हमरो प्यार धोई ले। आज तक संसार में बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भेल छे, लेकिन वह केकरो ई नहीं कह सके छे आबे त हमरो जरा प्यार रगड़ी के धोए त, ई कह सके छे जरा एक लोटा पानी दियो हमें प्यार धोए। ई बात अलग छे जे आदर से कोई धोए लगले, लेकिन कोई आदेशात्मक शब्द नहीं बोले सके छे कि हमरो आबी के प्यार धोइला। लेकिन केवट कहे छे तोरा कह पड़ो, चाह पार जाई के, चाह पार जाई के तक गोड़ बधवा लहो से सब सोचेला, अपन भलैया के पतिया से सब सोचेला, सब सोचेला, अपन भलैया के पतिया से सब सोचेला, हो कि सब सोचेला, तोरा गोड़ वाके तोरा गोड़ बाकी धुरिया से डर लगेला, हो कि डर लगेला। केवट के भाव देखो, एक बात तोरा बता दे छे, आदमी पैसा से गरीब होय छे, छोटा आदमी गरीब आदमी, लेकिन हृदय इतना उदार होय छे छोटका आदमी के, बड़का आदमी के हृदय उतना उदार नहीं है। कहे छे केवट जे सरकार तोरा मन मोहिता है थो जे हम बहुत कड़ा मजदूरी लेबे ते इतना बहाना करे छी। एक व्यवहारिक बात बतबै छी, हमरा घर में केकरो तबियत खराब भेले, अब 12 बजे रात में कोई गाड़ी वाला को फोन करै छी हमरा भागलपुर ले चलो, कहै छी नहीं जेबो एते रात में, तो हमर कहै छी एहन चाहे छो कुछ भाड़ा बेसी क्या के लेबो, ले लियो न दौड़े भाड़ा ले लियो, लेकिन ले चलो भागलपुर। तो लक्ष्मण राम जी को होइ छे जे बहाना करै छे, लागै छे बहुत पैसा लेते मजदूरी, केवट बुझी गेले कल के सरकार हमरा एते नीच व्यक्ति नहीं बुझो जे हम आई लेल बहाना करे छिए। खुलासा सुनी ले कल के की बात छे, तो खुलासा बतेल के
हमरा न चाही किछु पार उतरैये। ए सरकार, हमरा नहीं चाहियो मजदूरी, पार जे उतारबो एको नया पैसा नहीं चाहियो। राम जी लक्ष्मण सीता की तरफ देखल के देखा है, भाव कते ऊंचा छे। हमरा न चाही किछु पार उतरैये, हमरा दिस कनी कनी देखते रहियो, कहने हमें भजन भाव में गावै छिए आरो कुछ हम नहीं जानै छिए। कखनी तोरा कम स्पीड करा पड़तौ कखनी बेसी ई ख्याल रखियो। आ तब केवट की कहलकै, हमरा कोई पार उतराई नहीं चाहियो, कहने न चाहियो, कहने हमरो तोरो जात एके न छिके। लक्ष्मण तो गुस्सा से आग भए गेले, हमरा न चाही किछु पार उतरैया। अच्छा, आगू जे कहलके लक्ष्मण तो गुस्सा से आग भए गेले, तू बड़ा के बटे के जात रघुरैया। लक्ष्मण कल के रे केवट, छोटी मुंह बड़ी बात करता है, पहले कह दिया नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, अब शर्त रख दी, उस पर से कहते हो दक्षिणा नहीं लेंगे और कहते हो तू हमारी जात के हो, हम क्षत्रिय हैं, तुम मल्लाह हो, कैसे एक जात के हो गए। केवट ने कहल के, ए छोटे सरकार, अपने बीच बीच में गुस्साए जाए छे, अच्छा नहीं लागे छे, दू आदमी जो बात करे ना तो तेसरो को में नहीं टपकना चाहिए, अपने कहने बीच में टपके छे। राम जी कहल के लक्ष्मण चुप हो जाओ, जरा इसके भाव को देखो। कहे छे सरकार, हमे अपने दोनों केवटे न छिके, एक के जात न। लक्ष्मण कल के समझाओ कैसे एक जात। कल के सरकार, छोटे सरकार, आप इतने पढ़े लिखे हैं, वशिष्ठ गुरु के यहाँ पढ़े हैं, पर बुद्धि अभी आपका ठीक नहीं हुआ, की बात भए गेले। कल के अपने के नहीं पता छे, हमरा दोनों के धंधा एक के न छे। कल के केनो, कल के हिनी होलसेलर छिके, हमें रिटेलर छिए, इतने टा अंतर छे। कल के केनो, अरे हिनी बड़का सागर में नाव चलबै छे, भवसागर में, हमें छोटका नदी में नाव चलबै छे, अंतर इतने छे, धंधा दोनों के एक के छिके, एले छोटे सरकार अपने आई बीच में नहीं पड़िए। अरे तू बड़ के वटे के जात रघुरैया, हो जात रघुरैया। आई लेल नौवा के जब दाढ़ी बढ़ी जाय छे ना, तो दूसरो नौवा कन बनाए ले छे, पैसा नहीं दे छे, वो नौवा आवे छे तो ग्रास बनाए ले छे। तो सरकार, हम्मे दोनों गोटा एक के जात न छिकिए, तो शर्त रही गेले, हम तो के पार करी, हमें अखनी अपने के पार कह देवे, एक दिन तो हम उन्हें जेबे, तखनी ना नुकुर नहीं करबे, हाँ हमरो परिवार सहित पार कह देवे। हम तो के पार करी, तू करी हा पार हो जगत कहला, हम तो के पार करी, तू करी हा पार हो जगत कहला, अपन जतिया से के हो ना मजूरी ले वेला, ओ मजूरी ले वेला, अपन जतिया से के हो ना मजूरी ले वेला, ओ मजूरी ले वेला। सानलो ई बात सुनी के गदगद भए गेलखिन। सानल स्नेह सुनी के बट के बतिया, सानल स्नेह सुनी के बट के बतिया,
नी हसी बचन कहलनि रघुपतिया, कहलनि रघुपतिया। भैया आए भगवान के भक्त के आगू झुके पड़ ले, अब कहे पड़ ले कि पनिया ले आओ भाई। ए भैया केवट पानी लेते आओ और मेरे पैर को धो लो। पनिया ले आओ भाई, पनिया ले आओ भाई, गोड़बा धोवाला हो से देर हो खेला। बड़ी देर भै रहल छे, हमरा जंगल जाय के छे। से देर हो खेला, हमरा जाय के बा बनवा। से देर हो खेला, देर हो खेला, हमरा जाय के बा, हमरा जाय के बा बनवा। नाव में जब कठौती रहे जैसे पानी फेंके रहे नाव के, ओई में पानी भरी के लेले आइले, तो राम जी कहलखिन आई कठौती से तोय केवट कहिया तक हमरो प्यार धोवे। कहे छे सरकार कठौती नहीं कहिए, कठौता कहिए। कलके से कहने कहीं बाई चांस जो जनानी भै गेले कठौती कहे छे तो खतरे भै जेते, आ कठौता कहबे ना तो एगो छोड़ा नहीते, नावो में काम करते सरकार। हे सरकार कठौती नहीं कहिए। तुलसीदास जी लिखले छथिन पानी कठौता भरी ले आवा। आ छिके कठौती इतनी टक छे आ कहलके कठौता, कते सुंदर भाव छे, निश्चल प्रेम छे। ते अही ठा कहले छथिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। ने कहियो वेद पढ़लके, ने कहियो पुराण पढ़लके, लेकिन प्रेम का जरूर मिला। आ कहे छे सरकार कठौती नहीं कहिए, कठौता कहिए। अब प्रेम से प्यार धोई रहल छे, आ गंगा माय कहलके मोन में सोचलके हिनके प्यार से निकललो छिए, आ एत्ते पापी के उद्धार कर लिए, करते करते हमहू तो डिस्चार्ज भै गेलिए ना। जना बैटरी डिस्चार्ज होइ छै तो हमे आर बिजली में प्लग लगा के ओकरा चार्ज करै छी। तो देखलके गंगा माय जे आय तो चार्ज करै के मौका आबि गेल छै, हमे जे डिस्चार्ज भेल छिए एत्ते दिन से भगवान आबि गेले तो कहने न अपना के चार्ज कैलौ। गंगा माय प्रगट भै गेलखिन, जहिना प्रगट भेलखिन केवट कहै छै हम कहे रहिए न सरकार कठौती नहीं कहिए, हे वे देखिए प्रगटे भै गेले। ओ तो गंगा माय रहे भगवान के प्रणाम कै के गेलखिन, आह प्रेम से रगड़ी रगड़ी के धोई रहल छै भैया। उमगी उमगी केवट चरण पखरेला, उमगी उमगी केवट चरण पखरेला। आए दृश्य का देखेला आकाश में सब देवता आ गेले। भाई ओए आनंद के वर्णन हमें ए मुंह से की कर सके छी, कोशिश करे छिए जो दृश्य जरूर उपस्थित भ जाए भजन के द्वारा, ई हमरो प्रयास जरूर रहे छे। भाई जहिना एक प्यार धोल के रगड़ी के कलके हाँ आब एको कन नहीं रहले, कल के सरकार आब दोसरो प्यार दिए, जहिना धोल के तो राखी दल के बालू पर, कल के ले चौपटे न क्या दिलिए अपने, कल के की भेले एत्या धोल का सब त मेहनत बेकार, फेरु राखी दिलिए अपने गर्द है म प्यार, अब जिंदगी भर 14 बरस अहिठा प्यार धोइए न। कल के तो उपाय, कल के उपाय रहे न, कल के की जे प्यार धोए लेलिए वो हमरा जांग पर राखिए न,
कलके तोरा जाही पर राखबे तो खड़ा केना हेबे, कोनो किल्ला कहाँ छे ठम पकड़ेला, हमरो माथा छे ना माथा धैलिए आ तकर बाद दोसरो प्यार धोबे। आ आय केवट सन के सौभाग्यशाली कोई नहीं छे, भगवान के पूरा अभय वरदान, माथा पर हाथ आ दोसरो प्यार जांग पर आकाश से देवता फूल बरसाए रहल छे भाई। हो उमगी उमगी केवट चरण पखरेला, देव फूल बरी से करिल वासी हवेला, करिल वासी हवेला। भैया एक रहे कहे छे प्रेम, धन्य धन्य केवट के प्रेम के फसरिया से प्रभु फसेला, धन्य धन्य केवट के प्रेम के फसरिया से प्रभु फसेला, केवट जोगी जग जन्म से रस लूटेला, रस लूटेला। इन्हें देखते रहो, हमार बिंदु जी लिखले छथिन भजन, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, लिखले छथिन आज देखी लो भगवान के चरण के एक चुरु जल ब्रह्मा के मिलले जब वामन सत्र विक्रम भेल रहते, वही में ब्रह्मा के संतुष्ट करे हुए पड़े, और वह जल भगीरथ के कहला पर भोला बाबा के जटा मिले उतने जल। केवट के भाग देखो कठौता के कठौता जल भगवान के चरणामृत मिले छे, ब्रह्मा शंकर भी आए केवट के सामने फीका भै गए महाराज, एहनो केवट के भाग्य। तब लिखल के तुलसीदास जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हूं जो जान निहारा। आह कमाल क्या दिल के भाई, धन्य धन्य केवट के प्रेम के फसरिया से प्रभु फसेला, धन्य धन्य केवट के प्रेम के फसरिया से प्रभु फसेला, केवट जो भी जग जन से रस लूटेला, तो रस लूटेला। बोलो भक्त और भगवान की जय। भैया देर भी बहुत भए गेल छे, हम काली माई के चरण में प्रणाम अच्छा माँ दोनों मांगते हुए, और स्वामी जी उनको गुरुदेव इतने पूज्य लोग बैठलो छे सबको प्रणाम करते हुए हम अपनों वाणी का यहीं विराम दे छे। सबसे क्षमा मांगे छी, काल जो जिंदा रहलिए तो कोशिश करबे ओना तो माफी मांगबे एक बेर हिनका से, जो हिनी माफ कर दिलखिन तब तक कृपा भए जेते, फिर बड़ी दूर जाना छे कार्यक्रम में, 13 तारीख का कार्यक्रम छे, 14 तारीख का कार्यक्रम छे, 15 कार्यक्रम छे, इन्हें जो एक दिन माफ़ कर देते तो कुछ गला का आराम मिली जेते। यही शब्द के साथ हमें अपनों वाणी का विराम दे छी, एक बेर हमरा संगे भगवान नाम के संकीर्तन कह लें, कलयुग में नाम संकीर्तन से बढ़ी के कुछ नहीं छे। माधव जी जरा माइक ले लीजिएगा मेरे साथ, सब हमारा छोटका भाई सब छे इतने प्रेम से सबसे, सबके नाम तो हम नहीं जाने छे लेकिन माधव हमारा छोटका भाई छे, धीरज जी छे, सब कोई प्रेमी आदमी छे, प्रेम सब रहा सर। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा
तेरा प्यारा नाम सीताराम कि अपनियों सब बोले छिए एत्यान तेज लाइट छे उम्रो भए गेले झलकै नै छे बोले छिए ना एना एना मुरी डोलाइन दिए बुझी जेबे बोले छिए बोलिए जरूर अहिना एक जगह हमें श्री राम जय राम के कीर्तन करबै रिए त आगू में कुछ औरत बैठलो रहे सब त बोले एगो बेचारी नै बोले त हम कहलिए आप क्यों नहीं बोलती हैं त बगल वाला जनानी कहै छे दीपक जी केना बोलते बेचारी कहलिए से कहना श्री राम एक बुआर के नाम है ना कहलिए ओ ई बात है तो श्री राम नहीं बोला जय राम बोला बड़ा चक्कर है दीपक जी कहलिए कि जय राम एक ससुर के नाम छिके तो बड़ा गड़बड़ है तो जय जय राम अह आरू आफत जय जय राम भैंसूर के नाम है तो बड़ा चक्कर है लेकिन भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं सबको बोलो मधुर मधुर जब दुनिया के दुख सतावे लगा चिंता सतावे लगा राम नाम रूपी संत के चरण में चल जा गारंटी हमें दे छी हम 2 मिनट श्रद्धा के साथ नाम लेकर देखो भगवान के दिशा निर्देश नहीं मिला तो दीपक जिंदगी भर गुलामी करे तैयार छे ई नाम के प्रभाव छे सब कोई प्रेम से ले भाई नाम तो छोटो छे पर बड़ा गुणकारी छे प्रेम से ले मधुर मधुर नाम चंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जगत जननी कालिका महारानी की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय भारत माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम।